हाय गाइस, माय नेम इज फैजल और आप देख रहे हैं टेक्निकल फैजल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एडसेंस के इस तरह के एरर को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दूं, ये एडसेंस में एरर तब आता है या तो आपने कोई पहले से एडसेंस अकाउंट बना रखा है और आप दोबारा से एडसेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपके लिए बता दूं दोस्तों, एडसेंस लाइफ में एक बंदे का एक ही बनता है। अगर आप दूसरा एडसेंस अकाउंट बनाने का प्रयास करोगे तो इस तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपके एडसेंस अकाउंट में जो ईमेल है उसमें आपकी उम्र 18 से कम है तो तब भी आपको यही एरर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस एरर को किस तरह से सॉल्व करना है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फोटो पे क्लिक करना है, राइट हैंड साइड को आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपका चैनल, खरीदी और समस्याएं, खरीदारी। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन दिया हुआ है यूट्यूब स्टूडियो, इसको ओपन करिए। तो अब ये बीटा वर्जन ओपन होगा जो आपका चैनल है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीटा वर्जन में ओपन हो चुका है और यहाँ पर कुछ कॉपीराइट क्लेम वगैरह आए हुए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको स्क्रॉल करना है नीचे की ओर और यहाँ पर दिया हुआ है मोनेटाइजेशन सेक्शन, कमाई करना, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो स्टेप टू है इसमें गड़बड़ी आई हुई, यानी कि एरर आया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, एसोसिएशन बदलें, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, अपनी पहचान की पुष्टि करें, आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोसेसिंग लेगा और आपके जो पासवर्ड है ईमेल का उसको क्लिक करने के लिए बोलेगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का रिफ्रेस होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा चरण, इस चरण को पूरा करने के लिए आपको एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ मेरे पहले से एक खाता है, तो अगर आपका पहले से एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो आप पहले वाले पर क्लिक करिए। अगर नहीं है तो नया बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, नहीं मेरा पहले से कोई खाता नहीं है, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है जारी रखना, इस पर क्लिक करिए। तो इस तरह से लोडिंग लेगा और आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए क्या इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी इसको शो कर देगा कि आपके फ़ोन में कितनी ईमेल आईडी है, किस ईमेल से आप एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हो। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, आपको सिंपली एक नया ईमेल आईडी बना लेना है। उस ईमेल आईडी को ऐसे नंबर से वेरीफाई करिए जिससे कभी भी एडसेंस अकाउंट नहीं बना हो, ठीक है। नया नंबर लेना है बिल्कुल, और आपको बताइए जो आपका एडसेंस है उस आईडी से कभी इस ईमेल को बनाना ही नहीं है, ठीक है। आपको अपने फादर के नाम से या फिर मम्मी के नाम से बनाना है, या फिर सिस्टर के नाम से बना सकते हैं, ब्रदर के नाम से, जो भी है, लेकिन आपको अपने नाम से नहीं बनाना है क्योंकि आपने पहले से गड़बड़ी कर दी है। इसके बाद आपको उस ईमेल को सेलेक्ट कर लेना है जो आपने नहीं बनाई है। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एडसेंस का जो पेज है ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट, यहाँ पर आपके चैनल की वेब ये लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर जो ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको आपको यहाँ करना है, इस पे यस करना है। देन आपको यहाँ से आपको अपना देश है जो सेलेक्ट कर लेना है, भारत, भारत सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको नीचे की ओर करना है स्क्रॉल, यहाँ पे जाइए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से घूमेगा और यहाँ पे जो इनकी ये नियम है दिया हुआ है, हाँ मैंने अनुबंध पढ़ लिया है और मुझे यह स्वीकार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी ये टर्म्स और कंडीशन है ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसके बाद ये खाता बनेगा। तो यहाँ पे चेक कर दीजिए इसको और खाता बनाए, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ प्रोसेसिंग चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हो रहा है एडसेंस अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है, या फिर आप वोटर कार्ड से बना रहे हो तो यहाँ पर वो सब कुछ फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरफेस आ चुका है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए ये जो नाम दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, इसको यहाँ से हटाना है, और जो आपके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में नाम है उसको यहाँ पर फिल करिए। जो एड्रेस लाइन वन है इसमें आपको आधार कार्ड का एड्रेस फिल कर देना है पूरा वाला। बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लाइन टू में कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है, और जो तीसरे नंबर पे दिया हुआ है सिटी, यहाँ पर आपको सिटी भर देना है जो कि आपका नजीक शहर लगता है। उसके बाद उस सिटी का पिन कोड भर देना है, ठीक है। देन आपको नीचे आप देख सकते हैं स्टेट, यहाँ पे स्टेट भरना है। इसके बाद आपको दोबारा से मोबाइल नंबर फिल कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भरें, अदरवाइज छोड़ दें। इसके बाद आपको ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है फर्स्ट में अकाउंट टाइप, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ही रहने देना है। अगर आपने बिजनेस कर दिया तो आप कभी भी पेमेंट नहीं ले पाओगे,
ठीक है, यहाँ पे ये टैक्स वगैरह के नंबर यहाँ पे मांगेगा। तो सिंपली आपको नीचे की ओर आना है, नीचे जाइए और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है नीचे ही नीचे सबमिट, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये सबमिट हो जाएगा, तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिडायरेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिक, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है चालू हो गया है और आपको ये उसी पेज में ले आएगा जहाँ से आपने ये अप्लाई किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गड़बड़ियाँ लिखी हुई है, तो यहाँ पर अभी इन प्रोग्रेस आ जाएगा, यानी कि जारी है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जारी है लिखा हुआ आ गया है और 8 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, यहाँ पर ये डन हो जाएगा, ठीक है। और जो ये जारी है ये यहाँ पे आ जाएगा चरण 3 पर। आई होप गाइज आप सभी को पता चल गया होगा किस तरह से इस एरर को सॉल्व करना है, और आपको मैंने बता दिया है क्या क्या जरूरत पड़ती है, आपको क्या क्या सिम वगैरह ईमेल वगैरह बनाने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी है जो समझ आ गई है, तभी इस वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज ना करें कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों अगर आपके चैनल में या फिर एड्स अकाउंट में कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक पर एक नया वीडियो बनाकर दे दूंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के इस वीडियो को देखने के लिए।